हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने खेत में आए हैं और आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज इस पर हम स्प्रे करने वाले हैं। तो ये इल्ली के लिए थोड़ी थोड़ी जगहों पे दिख रहा है अपने को, और इसमें नैनो यूरिया भी छिड़कने वाले हैं नोवा कंपनी का। तो उसके लिए आज स्प्रे ले रहे हैं और देखेंगे कितना पंप लगता है। तो आज इसको स्प्रे करने वाले हैं और इसमें इल्ली के लिए रिजल्ट भी बताएंगे कि इसका रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये देख सकते हैं, तो ऐसे इस जगह ऐसे झाड़ में इल्ली हो रही है। तो इसके वजह से ये थोड़े ही दिन में इसका लक्षण है कि जब आपको बहुत से दो चार जगह देखने को मिले तो इसमें 8 दिन के अंदर ये ज़्यादातर स्तर पर आ जाएगी। तो इसके लिए इसको आज ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप उन रिज़ल्ट दिखाएंगे, आज स्प्रे करेंगे और 8 दिन के बाद में और रिज़ल्ट दिखाएंगे और तुरंत भी दिखाएंगे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो और इसमें नैनो यूरिया का भी रिज़ल्ट कैसा है वो भी बताएंगे। तो देख सकते हैं, अभी हाइट माप के बताता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं, इतना बड़ा मक्का हो चुका है। तो इसको नैनो यूरिया के बाद में क्या रिज़ल्ट आता है और इल्ली कितना सफाई कर पाती है, तो मेडिसिन दिखाता हूँ। आज 2 मेडिसिन लाया हूँ और ये हमने ग्लाइसिल के लिए यूज किया था पंप। तो इसको अभी निरमा से धो लेना है, अभी इसको निरमा से धो लेना है। और मैं इसमें यूरिया 32, ये जो देख सकते हैं ये यूरिया 32 है, इसका यूज करने वाला हूँ। और नैनो में है 250 ml में, तो ये 25-25 ml गिरेगा 15 लीटर पंप में। और इल्ली के लिए रोकथाम के लिए थोरैक्स, ये शिवलिंग का दिख रहे थोरैक्स यूज करने वाला हूँ। ये भी 250 ml है, ये भी 25 ml लेना है एक पंप के लिए। तो इतने बड़े 15 लीटर पंप में ये 25 ml और ये 25 ml मिलाना है। यूरिया 32 नैनो यूरिया है, तो इससे इसको डार्कनेस आ जाएगा, पीलापन कम हो जाएगा का मक्का का, और इससे इल्ली का खात्मा हो जाएगा। जो मक्के में लगी इल्ली, ये काफ़ी नुकसान करती है, उसको खात्मा करने के लिए सुंडी लगी है, तो उसको भी सुंडी का भी नायनाट करेगी इसमें। तो इसके लिए ये लिया है थोरैक्स, तो इसका भी रिज़ल्ट बताएंगे आपको कैसा है। तो इसमें कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं, इसका रिज़ल्ट आएगा तो बताएंगे, नहीं आया तो वो भी बताएंगे क्या है इसका रिज़ल्ट, यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये थोरैक्स का भी रिज़ल्ट बताएंगे। तो अभी इसको निरमा इसमें लाए हैं, तो निरमा से इसको पंप को वॉश कर लेंगे और फिर स्प्रे चालू करेंगे, कितना पंप होता है देखेंगे। जैसा अभी 3 बैग है 4-4 kg के, तो ये 50 घंटे के लिए अपन ने 500 ml 250 ml इसमें लाया, तो इसका भी देखेंगे अभी। तो इसको अभी वॉश कर लेते हैं और बाद में बताते हैं आपको। हेलो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं नोवा का यूरिया है ये 32। तो इसको अभी हम इसमें डालने वाले 25 ml और ये 25 ml डालना है। तो इसके लिए अपन इसके झपकन की सहायता से इसको बीन लेंगे। इसको मारने से पहले नैनो यूरिया है, इससे हरापन आता है, और अभी इसको हिला लेंगे और इसमें अभी इसको फोड़ना है। नोकीली चीज की सहायता से इसको फोड़ लेना है, नोकीली चीज से अभी मैं इसको कवर अप कर रही हूँ और इसको अभी निकालने की कोशिश करूँगा। ये जो नैनो यूरिया है, इसका बहुत सा हमने वीडियो देखने को मिलता है आपको यूट्यूब के ऊपर, मगर इसका भी रिजल्ट देखेंगे और 8 दिन के बाद में इसका रिजल्ट बताएंगे आपको मक्के के ऊपर कैसा है। और बहुत से भाई लेने से पहले वीडियो देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर जांच करते हैं रिज़ल्ट कैसा है क्या है, तभी लेते हैं। तो इसका मैं पूरा वीडियो बताऊंगा दोस्तों आपको, इसका रिज़ल्ट मिल रहा है या अच्छा है या नहीं है, ये मक्के के ऊपर कैसा काम करता है, और 25 ml डाल रहे हैं हम इसमें तो ये कैसा काम करेगा। तो इस टाइप आपका ऑयल जो आता है हेयर ऑयल, उसी की तरह इसका, और सोयाबीन ऑयल जो आता है उसी की तरह इसका कलर है। तो अभी ये देख सकते हैं, इसको अभी 25, तो हम इसमें 30 ml डालने वाले हैं, तो 30 ml यूज कर लेंगे। 30 ml 25 ml बता है, तो 30 ml यूज करेंगे इसमें। तो ये अभी अपन 30 ml डाल ले रहे हैं इसमें, ये 30 ml
हम एक 15 लीटर को 30 ml डाल रहे हैं और 30 ml इसको डालेंगे। ये जो हमारा थोरैक्स है ये इल्ली के लिए, इसको मिक्स करेंगे। इसका पैकिंग खोल लिया है अभी थोरैक्स का, और ये कुछ पाउडर फॉर्म में आता है शायद, देखेंगे अभी, निकला नहीं है तो इसको नोकीली चीज़ की सहायता से निकाल देंगे, इसकी सहायता से निकालेंगे इसको। थोड़ा एयर पकड़ लेता है एयर टाइट होने की वजह से, तो फर्स्ट टाइम जब आप खोलते हैं तो इसको दिक्कत आती है, तो अभी इसको खोल लेंगे। और इसका अभी अपने को यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं देखने को मिलेगा थोरैक्स का कैसा रिजल्ट है। तो ये सुंडी इल्ली जो लगता है मक्के के खेतों में, तो उसके लिए इसका कैसा इलाज है वो भी देखेंगे। अभी इसको 30 ml डालेंगे, तो ये 30 और ये 30 अपन 60 करने वाले हैं, तो 60 ml के आसपास इसमें अपन डालने वाले हैं। अपन ने अभी 60 ml इसमें डाल दिया, तो अभी इसको पानी में मिला लेते हैं और इसका रिज़ल्ट देखेंगे अपन कैसा है। तो इसको इसमें रख देंगे, इसका ढक्कन लगा देंगे, इसको थोड़ा और हिला लेंगे थोरैक्स को। थोरैक्स से इसका आप रिज़ल्ट भी बताएंगे आगे के चल के, आपको इसका रिज़ल्ट कैसा है तो वो भी बताएंगे। अभी इसको पैक कर लेते हैं और स्प्रे की। अभी सुंडी के लिए इसमें देखेंगे इसका रिज़ल्ट कैसा आता है।